यार कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आप सभी का एक ब्रांड न्यू वीडियो में। एंड यार कुछ ही देर पहले फोरम पे एक ब्रांड न्यू पोस्ट आया बाय द डेवलपर टीम, जिसमें वो अप्रैल अपडेट में आने वाले कुछ कंटेंट के बारे में बात कर रहे हैं। एंड इट इज एब्सोल्युटली अमेजिंग, लाइक कुछ यूआई इंप्रूवमेंट हो रहे हैं, यानी कि ये जो आप मेन मेन्यू देख रहे हो इसमें कुछ बहुत ही ड्रास्टिक चेंजेस आ रहे हैं और बहुत ही जबरदस्त दिख रहा है वो, टू बी ऑनेस्ट। एंड अलॉन्ग विद दैट एक नया गेम मोड आ रहा है। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट कुछ कैरेक्टर्स को अपग्रेड करने के कॉस्ट को रिड्यूस किया जा रहा है, या फिर उन्हें ग्रो करने के लिए रिसोर्सेज जो कॉस्ट करेंगे वो रिड्यूस किए जा रहे हैं, ताकि सभी लोग इजिली कैरेक्टर्स को अपग्रेड कर सके, विच इज अ ग्रेट थिंग। सो विदाउट एनी फर्दर रिड्यू यार चलते फॉरम पे, लेट्स टेक अ लुक एट दैट पोस्ट। एंड मैं डिटेल में आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि क्या हो रहा है इस पोस्ट के थ्रू, एंड अपडेट में हम क्या देख सकते हैं रिगार्डिंग दीज अमेजिंग फैंटास्टिक चेंजेस। तो लेट्स गो। अब ये चेंजेस यार देख के मुझे लग रहा है डेफिनेटली द डेव्स आर वर्किंग देयर बेस्ट टू मेक दिस गेम वर्क, राइट? क्योंकि काफी सारी कॉन्ट्रोवर्सीज में फंस चुका था ये गेम लास्ट ईयर, लाइक लास्ट ईयर वाजंट सो गुड फॉर दिस गेम, बट आई थिंक इस साल दे आर मेकिंग अ कमबैक फॉर इट, दे आर मेकिंग अ रन फॉर देयर मनी एंड डूइंग द बेस्ट दे कैन। सो सिक्स्थ ईयर एनिवर्सरी डेवलपमेंट टीम लेटर ऑफ अप्रिसिएशन है, तो डेवलपमेंट टीम वुड लाइक टू अप्रिशिएट अस फॉर बीइंग सो गेम को सपोर्ट करने के लिए। तो ग्रीटिंग्स एजेंट्स, दिस इज द मार्वल फ्यूचर फाइट डेवलपमेंट टीम। इट्स हार्ड टू बिलीव दैट वी हैव ऑलरेडी रीच्ड आवर सिक्स्थ एनिवर्सरी ऑफ मार्वल फ्यूचर फाइट। वी वुड लाइक टू सिंसियरली थैंक ऑल आवर एजेंट्स फॉर कंट्रीब्यूटिंग देयर मिशंस थ्रू द नंबरस ट्विस्ट एंड टर्न्स ओवर द पास्ट सिक्स ईयर्स। ओके, वी नो दैट आवर एजेंट्स हैव हाई एक्सपेक्टेशंस ऑफ दिस अप्रैल अपडेट which will celebrate our big anniversary. We are preparing a reorganization to welcome this new beginning so that we not only meet but exceed our agents' expectations. So that's amazing. That's what we like to hear, right? We will also continue to show our agents how we seek to continually improve the game we all love. Before we announce the update details, we would like to share some news with our agents. Please look forward to the upcoming 6th year anniversary festival with us. तो यहाँ पे 6th year anniversary festival, so I believe बहुत जबरदस्त rewards होने वाले, बहुत जबरदस्त नए तरह के event होने वाले जो हमें देखने को मिलेंगे, जो आज तक हमने कभी नहीं देखा Marvel Future Fight में। So I believe this anniversary is going to be awesome. और उसके अलावा चलिए अब UI improvement की बात करते हैं। तो we are working on improving the UI so that our agents can easily have access to all content and prepare for battles more conveniently. So please look forward to the changes. So यहाँ पे आप देख सकते हैं this is the main menu, यानी कि अभी जो lobby था जहाँ पर game load होता है, तो ये वो lobby का image है। This is the new lobby, ऐसा दिखेगा नया lobby. So हम देख सकते हैं काफी जबरदस्त हो चुका है, like black और white के theme में। तो आप देख सकते हैं top right में जहाँ पे हम menu open करते हैं to go to the missions, वो icon है, नया तरह का setting icon भी है black और white के background के साथ, सभी आइकन्स व्हाइट में, देन स्टोर टीम और इन्वेंटरी खाली एक टेक्स्ट की तरह वहां पे लिखे हुए। अगर फ्री कैरेक्टर जब अवेलेबल होता है तो उसका नोटिफिकेशन आ जाता है नीचे। उसके बहुत जबरदस्त है फॉरम के पोस्ट दिख रहे हैं हमें, बूस्ट पॉइंट दिख रहे हैं, लेवल, देन एनर्जी, गोल्ड, क्रिस्टल सब दिखाई दे रहे सॉर्टेड। और यहाँ पे एंटर बटन है, एंटर बटन में जाने के बाद हम सभी मिशन देख सकेंगे। ये पेज बटन है, इस पर क्लिक करने से हम सारे के सारे गेम मोड में इजिली टॉगल कर सकेंगे। देन वी हैव इवेंट क्वेस्ट, इवेंट क्वेस्ट अगर कोई इवेंट आता है तो इवेंट शॉप, अगर इवेंट शॉप आता है तो देन देयर इज दिस फ्यूचर पास एज वेल। ओके, तो ये भी जबरदस्त दिख रहे हैं। देन न्यू कैरेक्टर सर्सी मॉडर्न, तो अगर सर्सी का अपडेट होता है तो सर्सी यहाँ पे इस तरीके से दिखाई देती। सो दे डिडंट वांट टू रिवील व्हाट इज अपकमिंग, सो इस वजह से यहाँ पे सर्सी है, बट काफी जबरदस्त दिख रहा है। आई थिंक दिस यूआई चेंज लुक्स एब्सोल्युटली इनक्रेडिबल, लाइक पबजी पीसी अगर आपने खेला होगा तो उस तरह के वाइब्स आ रहे हैं, काफी सॉर्टेड है, काफी अच्छे से अरेंज है। तो मुझे रीअरेंजमेंट हर चीज का काफी अच्छा लगता है, एंड आई लव दिस, दिस चेंज इज रियली नाइस। लाइक अब अगर हम जब गेम में लॉग इन करेंगे तो हमें लगेगा कि हम नए गेम खेल रहे हैं, तो दिस ब्रिंग्स न्यू वाइब्स, राइट? तो काइंड ऑफ रिफ्रेशिंग है, सो आई रियली लाइक दीज चेंजेस। लाइक ओवर द इयर्स काफी सारे यूआई इंप्रूवमेंट हुए, बट आई थिंक दिस इज रियली गुड, मुझे बहुत पसंद आया ये। ओके, सो लेट्स कंटिन्यू विद द पोस्ट, रीड करते हैं पोस्ट को। ऑलराइट, उसके अलावा इमेजेस टेकन ड्यूरिंग डेवलपमेंट में डिफर फ्रॉम द फाइनल रिलीज, ऑब्वियसली थोड़े बहुत चेंजेस आपको देखने को मिल सकते हैं जब हम अपडेट में देखेंगे। उसके अलावा न्यू कंटेंट, डिस्पैच मिशन एडेड, दिस इज व्हाट वी वांट, न्यू कंटेंट, न्यू कंटेंट। तो यहाँ पे
we have prepared some new content for agents that wish to enjoy battles with the vast amount of heroes they've collected from the Marvel universe. यानी कि हमने जितने सारे heroes collect किए, like over 200 characters है हमारे accounts में, तो उन्हें हम use कर सकेंगे. Now this is everything, right? We are planning a game mode where it is advantageous to have a variety of heroes that can all contribute to the goals of our agent. यानी कि अब हम सभी characters को use कर सकेंगे in order to clear some stages. तो यहाँ पे मैं इसे थोड़ा breakdown करना चाहूँगा, तो इस image को हम थोड़ा बड़ा कर लेते हैं. And let's take a look how dispatch mission is looking. तो यार सबसे पहले I want to point one small detail out. अगर आप यहाँ पे dispatch mission के बगल में जो back button देखोगे, this back button looks so cool. कितना जबरदस्त दिख रहा है, मजा आ गया. राइट तो अब अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे सेक्टर डिवाइडेड है, तो काफी सारे सेक्टर है. अभी तक हम यहाँ पे 1/5 सेक्टर देख सकते हैं. सो ऑब्वियसली वी कैन एक्सपेक्ट देयर इज गोइंग टू बी 2, 1, 2, 2, 2, 3, 2, 4, 2, 5 एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ. तो काफी सारे सेक्टर्स हो सकते हैं. सो हर एक सेक्टर इज एन इंडिविजुअल मिशन जो हमें क्लियर करना पड़ेगा. एंड अगर आप क्लियर करोगे तो आपको ये हेक्सागन जो बना है वो क्लियर करने पे आपको डॉट मिल जाएगा. तो क्लियर करने से ये हमें मिलेगा. तो यहाँ पे हम देख सकते हैं यहाँ पे 1 out of 1 पे 2 हेक्सागन्स है इंस्टेड ऑफ 3. तो 3 का मतलब आप 3 स्टार कर पाए हो, 2 का मतलब आप 2 स्टार कर पाए हो इन सम वेज. एंड इट इज अ कम्युलेटिव स्टार, राइट? अगर आप जितने ज्यादा हेक्सागन्स कलेक्ट करोगे इस 5 मिशंस में, हमें 15 हेक्सागन्स मिल सकते हैं, राइट? अगर स्टार की जगह हेक्सागन में बोलूंगा तो आपको 15 हेक्सागन टोटल कलेक्ट करने. बट यहाँ पे आप देख सकते हैं 2 मिशन क्लियर किए गए एंड दोनों के थ्रू 2-2 हेक्सागन मिले हैं, तो टोटल हो जाते हैं 4 हेक्सागन. फिर यहाँ पे ग्रोथ ग्रेड है जस्ट लाइक डेंजर रूम एक्सट्रीम में हमें देखने को मिलता है. फिर डिस्पैच बटन है, तो जिस मिशन पे हम क्लिक करके डिस्पैच पे क्लिक करेंगे तो उस पर हम कैरेक्टर्स को भेज पाएंगे इन सम वे, या फिर हम बैटल कर पाएंगे. और फिर यहाँ पे हम ये भी देख सकते हैं कि नीचे में डिस्पैच लेवल है, तो जितना ज्यादा हम क्लियर करेंगे डिस्पैच करके कैरेक्टर्स को उतना ज्यादा लेवल बढ़ेगा. फिर बोनस सप्लाई है. नाउ दिस विल डिपेंड अपॉन, ओके तो 10 लेवल पे जाने पे तो हमें कुछ परसेंटेज बोनस में मिलेगा. ओके तो ये देखने वाली बात होगी कि कैसे काम करता है. एंड आई बिलीव जितने ज्यादा हम डिस्पैच करेंगे मिशन में उतना ज्यादा ये एक्सपी मीटर बढ़ेगा. एंड जैसे जैसे एक्सपी मीटर बढ़ते जाएगा वैसे वैसे डिस्पैच लेवल अपग्रेड होते जाएगा. तो इतना ही मैं डिसाइफर कर पाया हूं अभी तक. बट उसके अलावा इस पे रिवॉर्ड्स क्या होते हैं वो मैं देखना चाहूंगा. अलॉन्ग विद दैट ये कैसे काम करेगा वो देखने वाली बात होगी. तो अपडेट ड्रॉप होता है तो आई डेफिनेटली मेक वीडियोज ऑन दिस. सो ऑब्वियसली वी कैन लुक फॉरवर्ड टू दैट. बट अ न्यू गेम मोड जहाँ पे हम ज्यादातर हमारे कैरेक्टर्स को यूज कर पाएंगे, दिस इज द चेंज दैट वी वॉन्टेड, राइट? बहुत ही जबरदस्त यार, आई रियली लव्ड इट. डिस्पैच मिशन अमेजिंग, गुड जॉब डेव्स. आप देख रहे हो कि वी हैव सो मेनी कैरेक्टर्स विथ नो प्लेस टू यूज देम अपार्ट फ्रॉम शैडोलैंड. And you are giving us a content जहाँ पर हम use कर पाएंगे. तो this is everything. This changes everything, right? उसके अलावा अब growth difficulty adjustments for some heroes. We have reached to a consensus that now is the time to give support, some support to our agents who might have felt pressured by the steady addition of new heroes. Hence, we intend to adjust the growth difficulty of some heroes in this April update. We will continue to try our best so that our agents can enjoy Marvel Future Fight with all the various heroes currently in and coming to the game. So let me explain you यहाँ से उनका क्या मतलब है. There are some characters जिन्हें आपको upgrade करने के लिए 5-star से 6-star का मैं example देता हूँ, biometrics देने पड़ते, right? तो कुछ कैरेक्टर्स है जिन्हें 5-star से 6-star ले जाने पे 320 bios लगते हैं, वहीं कुछ कैरेक्टर्स है जिन्हें 5-star से 6-star ले जाने पे 160 bios लगते हैं. 160 bios वाले कैरेक्टर्स वो है जिनके कॉस्ट को रिड्यूस किया गया है एंड 320 इज द यूजुअल कॉस्ट. अलॉन्ग विद दैट उनके जब आप गियर अपग्रेड करते हो फ्रॉम 15 to 20, तो गियर्स के कॉस्ट भी रिड्यूस हो जाते हैं जो कैरेक्टर्स के कम लगते हैं टू रैंक देम अप. तो मेरे हिसाब से ग्रोथ डिफिकल्टी एडजस्टमेंट से कुछ वैसे कैरेक्टर्स जिन्हें अपग्रेड करने में ज्यादा बायोज लगते हैं उनके बायो कॉस्ट और रिसोर्स कॉस्ट को रिड्यूस कर दिया जाएगा ताकि आप इजीली उन्हें टीयर 2, टीयर 3 कर सको. लाइक लेवल 70 जाने में भी उन्हें कम बायोज लगते वगैरह वगैरह. तो आई बिलीव दैट इज व्हाट इज हैपनिंग हियर, राइट? तो लेट्स सी कैसा होता है, कौन कौन से कैरेक्टर्स है जिनके कॉस्ट को रिड्यूस किया जाएगा. आई वॉज लुकिंग फॉरवर्ड टू दिस फॉर अ लॉन्ग टाइम, लाइक कब वो कैरेक्टर्स के कॉस्ट रिड्यूस करेंगे. देर आर सम कैरेक्टर्स लाइक सैंगची उसका और भी कैरेक्टर्स है. तो या इन एडिशन वी आर डूइंग आर बेस्ट टू कीप ट्रैक ऑफ द फीडबैक फ्रॉम आर एजेंट्स रिगार्डिंग द अपडेट्स एंड वी विल वर्क टू ग्रेजुअली फिक्स द इनकन्वीनियंसेस दैट आर एजेंट्स फेस.
Please look forward to Marvel Future Fight moving into the future. Lastly, we once again thank all our agent for reading this letter and we strive to return with even more improvements. तो आप इस पोस्ट को डेफिनेटली यार एक लाइक करना बनता है बिकॉज दिस इज एब्सोल्युटली अमेजिंग. नाउ आई डोंट नो कौन है वो लोग जो इसे डिसलाइक करेंगे बिकॉज दिस इज इम्प्रूवमेंट, राइट? एनी इम्प्रूवमेंट इज बेटर देन नॉट एट ऑल. अलॉन्ग विद दैट, दिस इज नॉट द पैच नोट्स. इसका मतलब और भी बहुत कुछ है जो हमें इस अपडेट में देखने को मिलेगा. तो आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू द 6th ईयर एनिवर्सरी इवेंट्स एंड 6th ईयर एनिवर्सरी अपडेट पैच नोट्स. तो देखते यार क्या आता है. So with that, I think I should sum this video up. I hope I explained आपको dispatch mission कैसे काम करेगा. एक बार मैं और आपको दिखा देता हूँ. Shield lab में there is a dispatch mission, right? तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये रहा deploy. This is not dispatch, this is deploy. Available for dispatch, right? तो यहाँ पे हम characters को select करके deploy कर सकते हैं. But यहाँ पे reward बहुत ही बेकार मिलता है. So I believe इसी तरह का कुछ होगा वो with a new working system, right? थोड़ा बेटर होगा मेरे हिसाब से, बट लेट सी कैसे काम करता है वो. सो आई वोंट डू एनी गेसिंग्स फॉर नाउ, बट लेट्स वेट फॉर द पैच नोट्स एंड द लाइव स्ट्रीम. सो विद दैट, आई होप आपको वीडियो पसंद आया हो, आपको सब चीज समझ में आई हो. अगर नहीं आई तो यू कैन आस्क मी क्वेश्चन इन द कमेंट सेक्शन डाउन बिलो. एंड अगर आप इस चैनल पर नए आए हो, आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलिए अपने दोस्तों के साथ. मैं हूं ट्रॉन हाई, मैं आपसे मिलूंगा अगले वीडियो में. तब तक के लिए पीस आउट, टेक केयर, शाओ वोइला, बाय बाय, मिलेंगे. Goku! Son Goku!